नमस्कार, राम राम साथियों। मैं हरिओम स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एचओ स्टडी ग्रुप में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे, सकुशल, मंगल, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज हम बेसिक एग्रोनॉमी की बात करेंगे। बेसिक एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी में जो सस्य विज्ञान की क्रॉप्स है उनको आज बेसिक बेसिक चीजें आज हम यहीं पर देख लेंगे। आप भी अपनी कॉपी में एक सारणी बना लेना और उसमें ये सारी चीजें लिख लेना। सभी एक जगह रहेगी तो आपको समझने व पढ़ने में आसानी होगी और जल्दी से आपको याद हो जाएगी। मैं इनकी ट्रिक भी बता दूंगा और इनको हम जब विस्तार से पढ़ेंगे तब भी आप इनको पढ़ लेना, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। और इनको क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं तो आपको याद होनी जरूरी है। इनसे कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसलिए आपको ये चीजें याद करनी है। तो आप एक पेज में सारणी बना लीजिएगा और इनको उतार लीजिएगा। इनकी ट्रिक भी बताऊंगा और इनको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। आप बस बने रहे, देखे, नोट करें और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लास्ट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अब देखो, हम चर्चा करते हैं आज सस्य विज्ञान की क्रॉप्स पे। तो देखो, मैंने ये बेसिक बेसिक चीजें लिखी है, मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपको छोटा दिखे तो आप, मैं बोलूंगा तब आप समझ जाना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आज हम ग्रेमनी कुल पूरा पढ़ लेंगे। ग्रेमनी कुल को पोएसी व घास कुल भी कहते हैं। देखो, गेहूं आज हम पढ़ेंगे, बाजरा है, जौ है, चावल है, गन्ना है, मक्का है व ज्वार है। इनको मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल दूंगा ताकि हिंदी इंग्लिश का कोई आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हीट कहते हैं इसको, पर्ल मिलेट कहते हैं इसको, बार्ले कहते हैं इसको, राइस कहते हैं इसको, सुगर केन कहते हैं, मेज और सोरगम इनको इंग्लिश में नाम है। बोटेनिकल नेम द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने 1753 में दी थी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस है। द्विनाम पद्धति देख लेंगे जो कि लेटिन भाषा में लिखा जाता है। तो हम इनकी वानस्पतिक नाम देख लेंगे। इनकी फैमिली की कौन से कुल से ये बिलोंग करते हैं। इनके गुणसूत्रों की संख्या 2n देखेंगे। इनका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस कौन सा है ये भी आज हम यहीं पर देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनमें परागण कैसे होता है ये भी हम यहीं पर देख लेंगे। फिर हम इसका पुष्प क्रम देख लेंगे, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है और पोलिनेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम यहीं पर बेसिक में एक साथ लिखूंगा, आप नोट डाउन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और इनकी ट्रिक बताऊंगा गुणसूत्रों की, पर परागण स्वपरागण कैसे होता है, इन सब की आपको ट्रिक बताऊंगा तो बस आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब बस देखो, मैं कुछ चीजें कह रहा हूं। जैसे गेहूं, गेहूं को वीट कहते हैं। गेहूं का बोटनिकल नेम है टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम एस्टिवम ये इसका बोटेनिकल नेम है। इसके नाम के नीचे अंडरलाइन करते हैं क्योंकि लेटिन भाषा में लिखते हैं। अब इनकी फैमिली तो सबकी है तो मैं एक लिख देता हूं ताकि सबकी फैमिली आ जाएगी। देखो क्या है, ग्रेमनी, ग्रेमनी आप इसको कह सकते हो, पोएसी आप इसको कह सकते हो, या घास कुल, ये सभी की फैमिली है तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये सभी की फैमिली है। ठीक है, आप समझ जाना, मैंने एक बार बता दिया ये सारी क्रॉप्स है ये ग्रेमली की या पोएसी की या घास कुल की है। जैसे लेग्यूमिनेसी को क्या क्या कहते हैं हम, फाबेसी कहते हैं। इनका अन्य नाम बता रहा हूं, लेग्यूमिनेसी का अन्य नाम क्या होता है, फाबेसी या पेपेलिएसी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रूनिका ग्रांटम, अनार का बोटेनिकल नेम क्या है, प्रूनिका ग्रांटम, तो उसका नाम क्या, उसकी फैमिली क्या थी, प्रूनिकेसी। तो मैंने आपको क्या था, क्या कहा था, प्रूनिकेसी याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है, लिथ्रेसी। तो इनके अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आप अपने ऊपर नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, तो बार बार फैमिली रिवीजन नहीं करूंगा। तो इनकी सारी की फैमिली क्या हो गई, एक हो गई। अब देखो, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। देखो वापिस से मैं गुणसूत्रों का ट्रिक बता रहा हूं आपको, गुणसूत्रों की ट्रिक मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, एक बार आप उसको जाकर देख लेना, वहां पर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और यहाँ भी समझ में आ जाएगा। गुणसूत्रों की ट्रिक आपको एक बार में ही झट से याद हो जाएगा कि ट्रिक है
कि कोरोना काल चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना काल चल रहा था तब क्या हुआ था, करिश्मा कपूर के कोरोना हो जाता है और एमएस धोनी है ना उसके टीका लगाता है, बस कहानी यही है, जिसमें क्या है आपको गुणसूत्र सारे याद हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, जब एमएस धोनी ने करिश्मा को टीका लगाया तो एसएमएस आया, ये अपनी ट्रिक थी, मैंने एक बार समझा रखी है, आप वहां पर जाकर देख लेना। जब जेबी आ गया एमएस धोनी तो एमएस लिख दिया, करिश्मा को तो केआर लिख दिया, टीका का मतलब टी और के लिख दिया, टीका लगाया तो क्या आया, एसएमएस आया। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। तो मैंने क्या कहा था आपको, एक संख्या याद रखनी है कितनी, 14, 14। फिर हमको क्या करना है, प्लस 6 करना है तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 20 आ जाएंगे। ठीक, फिर हमको क्या करना है, दो घटाते हुए इसमें से क्या करना है, दो घटाते हुए तो 6 में 2 घटाए तो प्लस 4 करेंगे, 20 में 4 जोड़े तो 24 आ गई, 24 में फिर 2 घटाएंगे तो प्लस 2 रह गए, 24 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। ये गुणसूत्रों की ट्रिक है। जे का मतलब क्या होता है, जो, बी का मतलब क्या होता है, बाजरा, एम का मतलब क्या होता है, मेज यानी मक्का, मक्का लिख सकते हो, मेज आप लिख सकते हो, एस का मतलब सोरगम, सोरगम अर्थात ज्वार, और इधर मेज का मतलब मक्का, और इधर के का मतलब कुसुम, और आर का मतलब राइस, और इधर तिल, और के का मतलब कपास, ये इनके गुणसूत्र हो गए। फिर इधर मैंने क्या कहा था, एसएमएस आया तो एस का मतलब हो गया सोयाबीन, मूंगफली, और एस का मतलब हो गया सुगर केन, सुगर केन। अब देखो सोयाबीन का कितने हैं, 40 है, मूंगफली के कितने हैं, 40 है, दोनों को जोड़ा तो 80 किसके आ गए, सुगर केन के आ गए। ये एक बार और रिवाइज कर दिए, इसको आप नोट कर लेना, अगर पहले नहीं देखी होगी, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप पुराना वीडियो जाकर देख ले, वहां पर मैंने इसको बता रखा है कि जब एमएस धोनी ने करिश्मा को टीका लगाया तो एसएमएस आया, जो बाजरा, मक्का और सोरगम हो गया, कुसुम राइस हो गया, और तिल कपास हो गया, सोयाबीन मूंगफली व सुगर केन, ये इसके गुणसूत्र। 14 किस किस के हो गए, जो व बाजरा के, ये हम यहाँ लिख देते हैं, जो के कितने हो गए, 14 हो गए, बाजरा के कितने हो गए गुणसूत्र, 14 हो गए, मेज और सोरगम के कितने हो गए, 20 20 हो गए, तो इनके गुणसूत्र भी हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया, कुसुम के कितने हो गए, 24 हो गए, और चावल के कितने हो गए, तो 24 हो गए, तो चावल के भी हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक, अगर हम चावल का उल्टा पुल्टा करते हैं तो कितने आते हैं, 42, और वह किसके होते हैं, गेहूं के होते हैं, गेहूं के गुणसूत्र कितने लिखे हैं मैंने, 42 लिखे हैं, और ये षट गुणित होता है, 6n, जब भी तो ये हेक्साप्लॉयड होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये बात आप ध्यान रखना। और देखो अगर आप कुसुम में 10 जोड़ देते हो तो सूरजमुखी के गुणसूत्र आ जाते हैं, सूरजमुखी, हेलियंथस एनम, तो इसके गुणसूत्र कितने आ गए, 34 आ गए, ये बात भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और एक बात और याद रखना आप, कि सोलेनेसी फैमिली रहती है, सोलेनेसी फैमिली रहती है जिसमें क्या क्या आता है, आलू और तंबाकू को छोड़कर, ये भी सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, इन इन ये क्या होते हैं, चतुर्थ गुणित होते हैं, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है, इन दोनों को छोड़कर जो बैंगन, टमाटर प्लस मिर्च, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ये ट्रिक भी मैंने आपको यहीं पे बता दी, अगर अच्छे लगे तो आप देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं इसको मिटा देता हूं और सारे गुणसूत्र आपके यहीं पर हो गए। और गन्ना के गुणसूत्र भी कितने हो गए, तो 80 हो गए, ये देखो सारी बेसिक चीजें यहीं पर आ गई, ज्वार का कितना हो गया, 20 हो गया, मक्का का 20 हो गया, गन्ना का 80 हो गया, चावल का 24 है, इसका उल्टा करते हैं तो गेहूं का आ जाता है, जौ का 14 हो गया, बाजरा का 14 हो गया, तो ये सारे गुणसूत्र आ गए। इसके अलावा भी आपको पूरी सोलेनेसी फैमिली का आ गया, सूरजमुखी का पता हो गया, और तिल कपास वगैरह इन सब चीजों का भी पता हो गया, कपास मालवेसी फैमिली का है, और भिंडी भी मालवेसी फैमिली की है, भिंडी एबेलवेस्कस एस्कुलेंटम, तो
क्या है, किसका बोटेनिकल नेम है, आप मुझे कमेंट करके बताना। भिंडी में सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये मैं अब मिटा देता हूँ अगर आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो एक बार आप पुराना वीडियो भी जाकर देख लेना, वहां पर भी मैंने ये समझा रखा है, तो आपको क्या है आसानी होगी। अब देखो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, गुणसूत्र मैंने कैसे निकाले, ट्रिक से निकाले, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिक अच्छी नहीं लगे आपको तो आप याद कर सकते हो कि चावल के उल्टे गेहूं के होते हैं, चावल में 24 होते हैं और गेहूं के कितने होते हैं, 42 होते हैं। गेहूं षट गुणित होता है, 6N होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, ट्रिट्रिकम एटिवम। जैसे तंबाकू व आलू क्या होता है, चतुर्थ गुणित होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। मैंने जिजिफस मोरिसियाना, बेर भी चतुर्थ गुणित होता है, उसके भी 48 होते हैं, ठीक है। जौ और बाजरा के कितने होते हैं, 14-14 होते हैं। 24 किसके होते हैं, चावल के, गन्ना के 80 होते हैं, ज्वार मक्का के 20-20 होते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे याद कर लेना या फिर आप ट्रिक के जरिए याद कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। देखो सबके बोटेनिकल नाम में एक साथ लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी। गेहूं को वीट कहते हैं, ट्रिट्रिकम एस्टिवम इसका बोटेनिकल नेम है, क्योंकि हमने सभी की फैमिली लिख दी, सभी के 2N गुणसूत्र लिख दिए। अब हम सभी के बोटेनिकल नाम लिख देते हैं जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा दिए गए थे, ठीक है। अब देखो बाजरा को हम इंग्लिश में कहते हैं पर्ल मिलेट, तो इसका बोटेनिकल नेम है पेनिसेटम ग्लूकम, ये इसका बोटेनिकल नेम हो गया, किसका, बाजरा का हो गया। मैं इनको जब विस्तार से पढ़ाऊंगा तब आपको ट्रिक के जरिए बता दूंगा, अब घबराना मत, सबको ट्रिक के जरिए एक एक को याद करवा दूंगा, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप एक बार देख लेना, अच्छी बात है, ठीक है। जो को कहते हैं हम बार्ले, तो हार्डियम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर, ठीक। एक आता है जई, जई का भी आप ऊपर लिख देना, इसको कहते हैं ओट, और इसका क्या नाम है, एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा, यह भी ग्रेमनी कुल का सदस्य है। और मैं आपको परागण बताऊंगा, तब मैं आपको C3 व C4 पादप के नाम भी बता दूंगा, आप घबराना मत। अब देखो चावल, तो ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा, अगर ये आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं इनको बोल भी रहा हूं, ओराइजा सेटाइवा, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गन्ना का क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, जब मैं आपको गन्ना बताऊंगा तब इसका पूरा बेसिक वहीं पे बता दूंगा, बेसिक भी बता दूंगा और पूरा डिटेल भी बता दूंगा। मक्का का क्या है, जियामेज, जियामेज, और ज्वार का क्या है, सोरगम बाइकोलर, सोरगम इसको इंग्लिश में कहते हैं, मेज को मक्का कहते हैं, सोरगम बाइकोलर, आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोल भी रहा हूं तो आप घबराना मत, ठीक। ये सारे क्या हो गए, बोटेनिकल नेम। देखो गेहूं का ट्रिट्रिकम एस्टिवम, बाजरा का पेनिसेटम ग्लूकम, जो का हार्डियम वल्गेर, और जय का एविना सेटाइवा, चावल का ओरेजा सेटाइवा, गन्ना का सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ना के और भी नाम है वो हम वहां पर वर्गीकरण पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, और आपको तो सेकेरम ऑफिसिनेरम याद रखना है। मक्का का जियामेज हो गया, ज्वार का सोरगम बाइकोलर हो गया, सारी की फैमिली क्या है, ग्रेमनी पोएसी, गुणसूत्र मैंने बता दिए। अब देखो इनका उत्पत्ति स्थान देख लो, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। अब ये कैसे रहा आप देखना, हम इंग्लिश में गेहूं को क्या कहते हैं, वीट, तो आपको डब्ल्यू याद रखना है, साउथ वेस्ट एशिया, और देखना साउथ ईस्ट एशिया, चावल का भी ऐसा ही होता है, साउथ ईस्ट एशिया, ये चावल का गुणसूत्र है, मतलब ओरिजिन पहले से, सॉरी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कई दफा पूछा गया है, स्टार लगा के दोनों लिख लेना कि साउथ वेस्ट एशिया किसका उत्पत्ति स्थान है, तो गेहूं का है, साउथ ईस्ट एशिया किसका उत्पत्ति स्थान है, तो चावल का है, साउथ मतलब दक्षिण हो गया, ईस्ट मतलब पश्चिम हो गया, और एशिया, आप हिंदी इनकी कर लेना, किंतु आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वीट में डब्ल्यू आता है तो वेस्ट ईस्ट में आएगा और चावल में ईस्ट आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखो बाजरा का क्या है, तो ज्वार व बाजरा का,
ज्वार बाजरा का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। ये आप ध्यान रखना, मैं ज्वार पढ़ाऊंगा तब ज्वार की पूरी कहानी बताऊंगा, तब आपको वहां पर पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो बाजरा का क्या है? अफ्रीका। और ज्वार का क्या है? अफ्रीका। आप ऐसे याद रख लेना, किसी भी कंपेयर करके याद रखा करो ताकि आपको जल्दी याद होगा। जो का क्या है? तो इथोपिया। इथोपिया यह इजिप्ट में पड़ता है, लगभग गेहूं के स्थान के आसपास ही इसका उत्पत्ति स्थान है। किसका? जो का, बार्ले का। इसका क्या नाम है? हार्डियम वल्गेर, इसका बोटनिकल नेम है। चावल का हो गया साउथ ईस्ट एशिया हो गया। गन्ना का कहा है? तो न्यूगोनिया। न्यूगोनिया या भारत भी आप कह सकते हो। और गन्ना एक संस्कृत भाषा का शब्द है, मैंने कई दफा आपको बता रखा है। खाद शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है, गन्ना भी संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी मैंने आपको कई दफा बता रखा है। अब देखो मक्का। मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? मसे मक्का, मसे मेक्सिको। ये आप ध्यान रखना, मसे मक्का, मसे मेक्सिको। ये भी कई दफा जेट आईसीआर बीएचओ या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कई दफा पूछ रखा है कि मेक्सिको किसका उत्पत्ति स्थान है, तो वह मक्का का है। आपको देखो मैं बताता रहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। कभी कभी ग्रेमलिन ना देकर वो पोएसी दे देता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। घास फूल भी इसी को कहते हैं। तो ये इसके सारे 2N गुणसूत्र हो गए। ये षड्गुणित होता है। साउथ वेस्ट एशिया गेहूं का हो गया, और ज्वार बाजरा का अफ्रीका हो गया, इथोपिया किसका हो गया? जो का हो गया। चावल का साउथ ईस्ट एशिया हो गया। एक बार मैं बोल रहा हूँ, गन्ने का क्या हो गया? न्यूगोनिया या भारत हो गया। मक्का का मेक्सिको हो गया। ज्वार का क्या हो गया? तो अफ्रीका हो गया। ऐसे आप क्या है, संबंध बना बना के लिखा करो। अब देखो परागण। परागण की भी मैं क्या है आपको ट्रिक बताता हूं, आप कभी भूलोगे नहीं। देखो हम क्या है, एंजियोस्पर्म को मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एंजियोस्पर्म को क्या है, दो भागों में बांटते हैं। किन किन भागों में? कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसे ही हम पादपों को क्या है, उसके चरण के आधार पर, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण चलता है, उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। सी3 चक्र के आधार पर उन्हें कहते हैं हम सी3 प्लांट, सी3 पादप कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में अभी बताऊंगा। और एक होता है सी4 चक्र चलता है, जिनमें उन्हें कहते हैं सी4 प्लांट। तो सी3 कौन है और सी4 कौन है, ये मैं आपको बता दूंगा। जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है एक बीजपत्री, जैसे द्विबीजपत्र पाए जाते हैं वो द्विबीजपत्री। ये उनके आधार पर हो गए, एंजियोस्पर्म के आधार पर, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, सभी दालें हो जाती है द्विबीजपत्री, केला वगैरह, ये क्या है, एक बीजपत्री आता है। अब देखो सी3 और सी4 आपको ध्यान रखना है। अब सी3 कौन से है, तो ग्रेमनी फैमिली है। ग्रेमनी, ग्रेमनी में जितने है ना, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। सी3 में आ जाता है गेहूं। देखो आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, तो आप वहां से याद रखना, गेहूं, जो, जई व चावल, ये ग्रेमनी फैमिली क्या है, सी3 वाले है। और देखो दूसरी ग्रेमनी फैमिली में कौन कौन से सी पादप, सी4 में आते हैं, सॉरी। अब देखो आप ज्वार, मक्का, बाजरा व गन्ना, ये क्या है, सी4 पादप है। इसके आधार पर ही देखो हम परागण बांटेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी3 पादपों में क्या होता है, स्व परागण होता है, स्व परागण होता है, ये बात आप ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। और सी4 पादपों में क्या होता है, पर परागण होता है, पर परागण होता है, ये बात आप ध्यान रख लेना। इनमें पोलिनेशन कैसा होता है, तो गेहूं, जौ, जई, चावल में तो क्या होगा, स्व परागण होगा, और पर परागण किन में होगा, ज्वार, मक्का, बाजरा व गन्ना में पर परागण होगा। और किन किन में होता है, तो सी3 पादप और होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली में भी क्या होगा, स्व परागण होगा फैमिली। ठीक है, और पर परागण किन में होगा, तो जिन पादपों में खुशबू आती है, देखो खुशबू वाले पादप, खुशबू वाले पादप, जैसे क्या हो गया, सरसों हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गई, सौंफ हो गई, सूरजमुखी, हेलियंथस एनम हो गई, तो इनमें खुशबू आती है, तो इनमें भी पर परागण होगा। और सी3 पादप में क्या होगा, गेहूं, जौ, जई, चावल व लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होगा,
स्वपरागण होगा। ये चीजें आप नोट कर लेना, आसानी होगी आपको। फिर मैं इनको मिटा देता हूँ, फिर मैं परपरागण बता देता हूँ। और सभी में देखो, इन पूरी ग्रेमनी फैमिली में फल का प्रकार अगर पूछ लिया जाता है तो कैरियोप्सिस इनका फल का प्रकार होता है। फ्रूट टाइप कौन सा होता है? कैरियोप्सिस होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये भी आप लिख लेना नोट करके अपने ऊपर। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, इनको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, और मैं अभी लिखूंगा तो आप वहां भी नोट कर लेना। अब देखो, गेहूं सीत्री है तो स्वपरागण, ठीक है। बाजरा स्वपरागण, जौ में स्वपरागण, चावल में स्वपरागण, और इधर गन्ना मक्का ज्वार, गन्ना में क्या होगा? परपरागण। मक्का में क्या होगा? परपरागण। और ज्वार में क्या होगा? परपरागण। ठीक, किस किस में पर होता है तो मैं एक बार और लिख रहा हूं। ज्वार मक्का, सॉरी, बाजरा में भी परपरागण होगा। ज्वार मक्का बाजरा और गन्ना, ये C4 पादप है, तो इनमें क्या होगा? परपरागण होगा। और C3 में क्या होगा? गेहूं जौ जई और चावल, वो एविनाशिया में बताया था मैंने, ओट, तो उसमें भी आप क्या करोगे? स्वपरागण करोगे, स्वपरागण करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो, बहुधा परपरागण भी होता है, मतलब स्व और परपरागण, कभी कभी क्या है ये कंडीशन भी होती है। तो ये किन किन में होती है आप ये भी देख लो, ज्वार प्लस कपास में ये कंडीशन होती है। आप लिखना चाहो तो ये अपने कॉपी के ऊपर लिख लो, या नोट करके डाल लो कहीं भी, नोट लिख के या याद रख लेना। ज्वार व कपास में क्या होता है? स्वपरागण भी हो जाता है, कभी कभी परपरागण भी हो जाता है, ठीक है। एज इट इज क्लियर? आपका क्लियर हो गया होगा। देखो, इसके साथ क्या है, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। देखो, फिर वापस से हम पुष्पक्रम देख लेते हैं पहले, कि पुष्पक्रम किस किस में पाया जाता है। तो पुष्पक्रम के बारे में मैं बता देता हूं। मैंने पेनिकल पढ़ाया था आपको, पेनिकल, जब हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया था पेनिकल, कि पेनिकल पुष्पक्रम किस किस का होता है। तो मैंने क्या कहा था? आप पेन निकालो, क्या? पेन निकालो, पेन निकालो का अर्थ मतलब क्या हो जाता है? पेनिकल। आपका मतलब हो जाता है आम, अंगूर और पपीता। इनका पुष्पकर्म क्या हो जाता है? पेनिकल हो जाता है। इधर ही जैसे हम पढ़ेंगे कि जब जब चावल, मतलब जब MS धोनी ने करिश्मा को टीका लगाया तो SMS आया। तो जे और बी, जौ और बाजरा और चावल में क्या होगा? इसमें पेनिकल होगा। चावल में तो पेनिकल होगा, इनमें क्या होगा? ओपन पेनिकल उसको कह देते हैं। तो ये इनके पुष्प कर्म आ जाते हैं। देखो, एक एक शायरी सुनाता हूं आपको। जब से एक शायरी याद आ गई मुझे, कि जब चाहा तब चाहा मुझको, जब चाहा तब चाहा मुझको, जब चाहा तब छोड़ दिया, मैं से मुझको किया मुख्तलिफ, मैं खाने से रिश्ता छोड़ दिया। ए हुस्न जबा, एक बात बता, क्या बचपन से थी आदत, खिलौना लिया और तोड़ दिया। तो ये एक टेम्परेरी आपका मन लगाने के लिए शायरी बता दी, तो अब आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या बताई थी मैंने? कि जब चाहा तब चाहा मुझको, जब चाहा तब छोड़ दिया, मैं से मुझको किया मुख्तलिफ, मैं खाने से रिश्ता जोड़ दिया। ए हुस्न सबा, एक बात बता, क्या बचपन से थी आदत, खिलौना लिया और तोड़ दिया। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिक चीजें आपको याद होगी होगी, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था कि जौ और बाजरा में क्या होगा? तो ओपन पेनिकल। तो हम लिख देते हैं बाजरा का क्या लिखे? ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल। और जो का क्या लिखे? ओपन पेनिकल। और चावल का क्या हो गया? तो पेनिकल। और मैंने हॉर्टिकल्चर प्लांट का भी यही बता दिया। मैंने एक बार हॉर्टिकल्चर की प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहां पे जाके आप सारी क्लास लेके आ जाओ। अब देखो, गेहूं का क्या होता है? गेहूं का होता है वही किसका होता है? वही इसका होता है, चावल, सॉरी, जो का होता है, जो गेहूं का होता है। पहले हम गेहूं का देखते हैं। गेहूं का होता है स्पाइक या बाली, किसका होता है? तो यह गेहूं का होता है।
अब देखो गन्ना का क्या होता है, तो गन्ना का एरो होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और देखो मक्का का क्या होता है और ज्वार का क्या होता है, तो मक्का का मैं बताता हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना, इसको स्टार लगा देना। अभी वो मैं गेहूं वाला स्पाइक व बाली वाला आपको बता दूंगा। अब देखो किसका होता है, एक तो गेहूं का स्पाइक या बाली होता है। अब देखो नर भाग, मक्का का नर भाग कई दफा पूछा गया है, मक्का का नर भाग क्या कहलाता है, टेसर कहलाता है। वह मादा भाग क्या कहलाता है, सिल्क कहलाता है। ये बात आप अच्छे से नोट करके लिख लो। और ज्वार का होता है, ज्वार का भी स्पाइक या बाली होता है, स्पाइक या बाली होता है, ज्वार का क्या होता है, स्पाइक या बाली होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। एक बार आप इन सबका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इनको मिटा दूंगा। देखो मैं आशा करता हूं कि आपने ये स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा और इसमें आप एक करेक्शन कर लेना, सॉरी वो मुझसे गलती हो गई, आपने आप ऐसा करना, इसमें स्पाइक या इसका बाली कर लेना, और आप ज्वार की जगह क्या करना, ज्वार में होता है ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल, तो आप इसमें करेक्शन कर लेना। आप एक बार वापिस से, मैं इसको समझा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं हट जाता हूं। अब देखो एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं, आपको जल्दी से समझ में आएगा। अब देखना गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम वीट कहते हैं, गुणसूत्र 22-42 होते हैं, साउथ वेस्ट एशिया होता है, ग्रेमी सबका फैमिली है, स्वपरागरण होता है C3 के कारण, स्पाइक या बाली इसका क्या हो गया, पुष्पकर्म, सभी का फल प्रकार कैरियोप्सिस होता है, बाजरा का पेनिसेटम ग्लूकम हो गया, पोएसी ग्रेमनी घास कुल हो गया, 14 इसके गुणसूत्र हो गए, अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस हो गया, पर परागण होता है, और स्पाइक या बाली इसका भी पुष्पकर्म होता है। आप अच्छे से ध्यान रखना किसका होता है, क्योंकि गेहूं और बाजरा का क्या, गेहूं और सॉरी ओपन पेनिकल तो बाजरा का होता है, ओपन पेनिकल, और जौ का क्या होता है, स्पाइक या बाली, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो जाती है, माफ करना, गलती इंसान से होती है, तो आप देख लेना मैंने आपको यहां पर सही करा दिया, आप बुरा मत मानना। देखो ये गलती हो जाती है सभी से, तो स्पाइक या बाली, और स्पाइक बाली गेहूं है, जौ का है, ओपन पेनिकल किसका है, ज्वार का है, और किसका है, तो बाजरा का है, और किसका है, तो पेनिकल चावल का है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात यहीं पर क्लियर कर लो, एच डी क्लियर, पेनिसेटम ग्लूकम ये इसका भाग हो गया, जो का देखो हार्डियम वल्गेर हो गया, घास कुल हो गई, 14 गुणसूत्र हो गए, इथोपिया या इजिप्ट या साउथ वेस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान हो गया, स्वपरागण होता है क्योंकि C3 है, और स्पाइक वाली इसका पुष्पकर्म है, ये ध्यान रखना। इनफ्लोरसेंस व ये पर परागण किस में होता है, पोलिनेशन, वो भी आप ध्यान रखना। अब देखो चावल का, तो ओराइजा सेटाइवा ग्रेमनी इसके गुणसूत्र कितने आ गए, जस्ट गेहूं के अपोजिट 24 आ गए, साउथ ईस्ट एशिया, इधर वेस्ट था इधर ईस्ट है, स्वपरागण होता है और पेनिकल इसका पुष्पक्रम हो गया। गन्ना का देखो सेकेरम ऑफिसिनेरम है, ठीक है, 80 इसके गुणसूत्र है, मैंने अभी ट्रिक बताई थी वो भी आप अच्छे से नोट कर लेना। न्यूगोनिया या भारत इसका उत्पत्ति स्थान है, संस्कृत भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द क्या है, मौसम अरबी भाषा का शब्द होता है, पर परागण होता है, और इसमें इसका क्या करता है, एरो, एरो इसका पुष्पकर्म या एरोइंग भी आप कह सकते हो, एरोइंग, एरो आने की क्रिया क्या कहलाती है, एरोइंग, ठीक है। अब मक्का का देखो जियामेज इसके गुणसूत्र 20 हो गए, C4 पादप है, तो पर परागण मेक्सिको इसको उत्पत्ति स्थान हो गया, और
नर भाग टेसन, ये आपको ध्यान रखना, नर भाग टेसन व मादा भाग कौन सा होता है? सिल्क होता है। ज्वार का सोरगम बाइकोलर हो गया, बीज गुणसूत्र हो गए, अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान होगा। जब मैं ज्वार पढ़ाऊंगा तब आपको क्या है, कहानी के जरिए याद कराऊंगा, तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको इसका उत्पत्ति स्थान चुटकियों में याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, पूरी ज्वार आपको कंठस्थ हो जाएगी। अफ्रीका पर परागण होता है और ओपन पेनिकल इसका पुष्पकरण होता है। ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया था तो ये आप देख लेना। स्पाइक बाली गेहूं का हो जाता है, ओपन पेनिकल किसका हो जाता है? बाजरे का। और ओपन पेनिकल किसका होता है? ज्वार का भी होता है। और जौ का क्या होता है? स्पाइक या बाली होता है। एक बार आप ऑफिस से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखो आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा या मेरी तरह ही आपने सारणी बना के पूरी कॉपी में लिख लिया होगा, तो आप इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहे और देखो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। सभी को बताना कि अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जाती है जो कि आपके कभी ना कभी जिंदगी में काम आएगी। आपको रटने में, रटने से ज्यादा फायदा होगा ट्रिक के जरिए, आप कभी भूल नहीं पाओगे इसको। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपके लिए उपयोगकारी है या नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कंटिन्यू आप पढ़ाई करिएगा और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने घर वालों का ध्यान रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।